झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जन आशीर्वाद पंचायत यात्रा के माध्यम से बागमारा में पंचायत के बूथ स्तर पर लोगों का जागृत करने का अभियान चला रही है। JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गिरिडीह लोकसभा के सभी पंचायत गांव बूथों का दौरा किया जा रहा है। लोगों को अपने अधिकार के प्रति जागृत करना और झारखंड के अस्तित्व रक्षा को लेकर प्रतिनिधित्व कर देने की अपील की जा रही है। महतो ने गरजते हुए कहा कि झारखंड के 24 सालों में बहुत हुआ लूट, अब लूट नहीं होगा, लूट पर फुल स्टॉप लगेगा जब गांव का बेटा संसद में जाएगा। मौके पर दीपक रवानी, अजीत महतो, पंकज कुमार महतो, सुनील रजक आदि मौजूद थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग एक अभियान का आगाज किए हैं। उस अभियान का नाम है जन आशीर्वाद पंचायत की यात्रा, और इन यात्राओं के माध्यम से हम लोग गिरिडीह लोकसभा हो और हमारे बाकी साथी अपने अपने लोकसभाओं के अंतर्गत आने वाले तमाम पंचायतों का, गांवों का, बूथों का दौरा कर रहे हैं। और हमारी जो मैसेज है, जो बीते 2 सालों से हम लोग झारखंड में आंदोलन के दौरान एकत्रित किए हैं, उनका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है कि बहुत हुआ लूट, अब लूट नहीं होगा, अब लूट में फुल स्टॉप होगा और झारखंड के बेटों को दिल्ली से लेकर राजधानी भेजेंगे जहां वो हमारे हक अधिकार के लिए लड़े, भिड़े और हमारे राज्य की अस्मिता को सुरक्षित रखें। 2024 दृष्टिकोण से, राजनीति के दृष्टिकोण से 2024 बहुत ही खास होने वाला है, इस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, 2024 झारखंड के लिए तो खास है कि झारखंड में कुछ नन्हे मुन्ने बालक अपने प्रतिभा की बदौलत, बुजुर्गों के आशीर्वाद की बदौलत, माताओं के दुआ की बदौलत आज देश की राजनीति में अपना कदम रखने जा रहे हैं, तो निश्चय ही झारखंड के इतिहास में, 23 सालों के इतिहास में ये पहला अवसर होगा जब कुछ बच्चे, कुछ नौजवान आगे आए हैं जिनकी कोई बैकग्राउंड नहीं, पॉलिटिकल पहचान नहीं, और ऐसे नौजवान अगर राजनीति में, अभी देश की राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं तो ये झारखंड के लिए भी कहीं ना कहीं एक विषय है, एक गौरव का विषय है कि पहली मर्तबा इस अलग झारखंड राज्य में नौजवान हैं जो अपने प्रतिभा की बदौलत जा रहे हैं। बाकी इससे पहले जो भी गए वो नेपोटिज्म की बदौलत गए या तो फिर कैपिटलिज्म की बदौलत गए। लोकसभा चुनाव को लेकर के लोगों से क्या आह्वान कीजिएगा? सबसे पहले लोगों को MP का मतलब जानना होगा, नौजवानों को यह जानना होगा कि उनकी गाड़ी में जो पेट्रोल आता है उसको डिसाइड करने वाला MP होता है, उसको घटाना है कि बढ़ाना है। माताओं को यह जानना होगा, वे जो नाक में नथुनी पहनते हैं उसके रेट को घटाने बढ़ाने वाला MP होता है। किसानों को यह जानना होगा कि उनकी खेती बाड़ी पर चर्चा करने वाला एक MP होता है। विस्थापितों को यह जानना होगा कि उनकी ज़मीनें जब किसी उद्योग में चली जाती हैं उसका मुआवजा दिलाने के लिए चर्चा करने वाला MP होता है। MP के मतलब को जानना होगा। आज लोग ये जानते हैं कि MP का मतलब होता है हमारे घर किसी वैवाहिक कार्यक्रम में आ गए, हमारे घर किसी श्राद्ध कार्यक्रम में आ गए, हमारे घर किसी उत्सव महोत्सव में आ गए, किसी पर्व त्यौहार में आ गए। जी नहीं, MP का वो मतलब नहीं होता है। MP जो अधिकारों के लिए लड़े, आपके लिए भिड़े, सदन में चर्चा करे और आपकी माटी को, आपकी संपत्ति को सुरक्षित रखे।